ये हम लोग ने अपने सब हमने अपने पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स को बुलाया है और पॉलिटिकल ब्लॉक्स को टू प्रिपेयर अवरसेल्फ फॉर द विलेज काउंसिल इलेक्शंस और आने वाले दिन में हम लोगों का क्या मिशन रहेगा, इसके लिए आज हम लोग ने मीटिंग रखा है। आने वाले दिन में और भी पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स और पॉलिटिकल ब्लॉक्स को बुलाया गया। विलेज कमेटी का जो चुनाव होगा उस पर आपका क्या पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में? नहीं, हम लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट, 100% पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे भी। विलेज काउंसिल इलेक्शन तभी हुआ जब हमारे लॉयर्स लोगों ने त्रिपुरा लॉयर्स कन्फेडरेशन ने जाकर ये केस फाइल किया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के व्यू से अलग हट के उन्होंने डायरेक्ट किया है कि ये इलेक्शन नवंबर पहले हफ्ते तक ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब कि अक्टूबर में शुरू होना चाहिए और नवंबर फर्स्ट वीक तक पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो जाना चाहिए और नवंबर तक पूरा रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। सर, कल सीपीएम का एक स्टेट कमेटी मीटिंग हुआ, मीटिंग के बाद में वो जितेंद्र चौधरी ने बुलाया 15 अगस्त के बाद में सब अपोजिशन पार्टी का एक साथ करके वोटअप करने के लिए वो प्रस्ताव रखेगा, तो इस विषय में आपका क्या मत है? जब वो प्रस्ताव लिखेंगे तो उससे पहले मुझसे बात करेंगे, अगर वो मुझे बुलाएंगे और किस इशू में हम लोग को बॉयकॉट करना है, क्योंकि हमारा रीजनल पार्टी है और हमारा जो उद्देश्य है वो हम त्रिपुरा का भी डेवलपमेंट चाहते हैं, भला भी चाहते हैं, लेकिन उनको पहले बताना पड़ेगा, उनको भी हमारा बात मानना पड़ेगा कि ट्राइबल्स के लिए 70 साल में कुछ नहीं हुआ है, ना कांग्रेस ने कुछ किया, ना CPM ने कुछ किया और अभी भी BJP कुछ नहीं कर रही है, तो उनको भी हमारा बात मानना पड़ेगा, तभी हम उनके बात मानेंगे। वोटअप में जाएगा कि आप लोग को आप पार्टी को इन्वाइट करने के बाद आपको जाएगा? पहले इनको इन्वाइट कर ले दीजिए, पहले वो इन्वाइट करें तभी हम लोग बात करेंगे, अभी तक तो इन्विटेशन मैंने थ्रू मीडिया सुना है, पर्सनली नहीं सुना। थैंक यू।